भाई हनीमून पे जा रहे हो, इतने भी आराम करने दो, जाओ अभी। रास्ते के लिए खाना बांध दिया है मैंने। ओहो मंजुला, तू भी ना शादीशुदा जोड़ा है, अपने हिसाब से जाएगा, घूमते फिरते खाते पीते, इसी में तो मजा है। अरे वही तो, जौहरी बाजार में घूमते घामते वो जो दुकान है ना, वहां से मेरे लिए मैं ना मैसेज कर दूंगी, जाओ जाओ। जी चाची। हम लोग इनकी तरह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शादी के बाद सीधा हनीमून। ओके बेबी, ओके बेबी। पंखो कुछ भी हो तो फोन कर लेना, मैं तो करती ही रहूंगी। ओके ले जा रहा हूँ तुम्हारी दी को, अपना ख्याल रख। अरे यहाँ किसी को कुछ नहीं होगा, जाओ अभी वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी, और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही मुझे फोन करना भूलना मत। अब बस 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 जाओ 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 जाओ। जोश रहो। रोक नहीं पाई तो क्या, इस हनीमून को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। So, वाइफी, फाइनली हनीमून का मुहूर्त निकल गया है। Excited? हाँ, हूँ तो, पर पंखु। मैडम पूर्वा, पंखु अब डॉक्टर पंखुड़ी बन बड़ी हो गई है, और अकेली कहाँ है, दादी और बाकी घर वाले हैं ना उसके साथ, so please टेंशन मत। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी ना सॉरी। पूर्वा जानता हूँ एक बार फिर जयपुर जा रहे, जगह वही है पर इस बार ही मेमोरीज बहुत स्पेशल होंगी, दिस आई प्रॉमिस। पर पहली बार भी तो स्पेशल ही थी। सीरियसली, गुंडों से मारपीट, हमारे झगड़े, तुम्हारा किडनैप हो जाना, ये सब स्पेशल था क्या? बहुत स्पेशल था वेदा। जिस तरह आप मुझे जयपुर लेके आए, मुझे ये एहसास हुआ कि आपका दिल कितना बड़ा है। जिस तरह आप मेरे लिए गुंडों तक से लड़ गए, मुझे ये पता चला कि आप मेरी कितनी कदर करते। और वो किडनैपिंग तो उसने तो मेरी जान ही ले ली थी पूर्वा, तब शायद मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मेरे मन में तुम्हें खोने का कितना डर। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं खोई नहीं, इनफैक्ट मैं घर वापस आ गई हमेशा के। थैंक यू एंड थैंक गॉड, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी लाइफ में इतना सारा प्यार और इतनी सारी खुशियां आ सकती। आई लव यू वाइफी। आई लव यू टू। तो अब बताइए, थी ना वो ट्रिप भी स्पेशल जहां से पूर्वा और वेदांत की स्टोरी शुरू हुई थी। बस एक चीज की कमी थी, वो मैं इस बारी पूरी कर दूंगा। रोमांस और मेरा बर्थडे। वेदांत कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। चलिए एयरपोर्ट आ गए। हेलो पंखु, हाथ कैसा है अब तुम्हारा? तुझे कैसे पता चला? संजू मिला था, शादी के लिए वेन्यू पता कर रहा था। पर सुन, तू अपने लिए वेन्यू नहीं बुक कर रही है क्या? नहीं यार, पैसे वापस लेने गई थी, शादी कैंसिल करनी पड़ी ना, वही मांगलिक दोष मेरी कुंडली में। अच्छा सुन, आज ना यहाँ पर एक पूजा है जिसमें बहुत बड़े पंडित जी आने वाले हैं, तू कहे तो मैं उनसे कोई सलूशन पूछू। So sweet of you यार, प्लीज पूछ ले, मैं अपनी कुंडली तुम्हें अभी मेल कर रही हूँ। प्लीज मेल कर दे, ठीक है?
प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी, शादी के लिए शुभ तिथि देखिए। देखिए, चार दिन बाद बहुत अच्छा मुहूर्त निकल रहा है, पर अरे पर तो खुशियों के लग गए हैं पंडित जी, इसलिए उड़ने दीजिए और कराइए शादी। अच्छा अच्छा, दोनों बच्चों की कुंडलियां लाइए। पंडित जी, संजू की कुंडली, दूसरी कुंडली भी आ गई और लड़की भी। प्रणाम पंडित जी। मुबारक हो बेबी। पंकुल, अपनी कुंडली पंडित जी को दो। बेटा, किन ख्यालों में खोई हो? लाओ कुंडली इधर। पंडित जी, ये लीजिए, दोनों की कुंडली मिलाइए और बताइए शुभ मुहूर्त। बिटिया की कुंडली में तो मांगलिक दोष है। शादी के बाद संजू बेटे की जान को खतरा हो सकता है। खतरा? पंडित जी, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती। अरे, आदि तुरी की शादी बिना कुंडली मिलाए ही हो जाती है। अम्मा, यही तो दिक्कत है। आपको याद है विद्या, अरे मेरी बचपन की सहेली, उसकी दूसरी शादी के वक्त एक अच्छे पंडित ने बताया कि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है। इसी के चलते तो उसका पहला पति निकल लिया था। निकल लिया मतलब? अरे निकल लिया मतलब बाय बाय। बैठ जा, मैं तेरे दिल की बात समझ सकती हूँ। एक मिनट पंडित जी, अब आप भी समझ जाइए, ये दोष वोष कुंडली से निकालिए और बस शादी कराइए प्लीज, क्योंकि अब तो ये शादी होके रहेगी। मेरे पास है उपाय, मैं पत्थर दे दूंगा, पंखुड़ी पहन लेगी, कुछ नहीं होगा इसे। पंडित जी, आपके पास कोई और उपाय हो तो वो बताइए आप। हाँ हाँ, एक उपाय है, पूजा कराई जा सकती है। पंडित जी, पूजा आज ही हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, आज से चार दिन बाद शादी तय। दादी, अरे booking under the name Dr. Vedant Tripathi. Oh yeah. Thank you. Chale. Finally Jaipur aa gaye biwi. Abhi jaldi se freshen up ho jate hain. Uske baad main apni conference khatam karta hu aur uske baad main apni sundar si biwi ko Jaipur ki sair karane leke jaunga. Okay? बेटा, ये साड़ी मैंने तुम्हारे लिए ली है, आज शाम की पूजा में ये पहनना।
गलत शादी, गलत कुंडली और अब ये गलत उपाय। इन सबसे मैं बाहर कैसे निकलूं? ना जिया जिंदगी एक पल भी, तुझसे होके जुदा सुन जरा, बिन तेरे मुझसे ना रोज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये इनायत जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। बस तुझसे ही भरा हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बहुत खूबसूरत दिन था वेदांत। अभी आप रेस्ट करिए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। दिन अभी खत्म कहाँ हुआ है वाइफी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है।
पंखु कैसी है? मैं ठीक हूँ दी, आप दोनों कैसे हैं? और आप लोग पहुंच गए, आपने बताया ही नहीं। अरे साली साहिबा, दादी को बता दिया था, ये पूछने के लिए आपने हमें हनीमून पर डिस्टर्ब किया। नहीं, वो तो बस वो कॉन्फ्रेंस थी ना, इसलिए बस मुझे फिक्र हो रही थी। अरे कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हुई, उन्हें प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई, वो लोग मेरे पे जवाब दे देंगे। रखता हूँ, चलो ओके बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखना डॉक्टर। पंडित जी, जिस जिस चीज की जरूरत पड़े आप बताते जाइए। हाँ रमेश, ये सब लिया मंजुला रख दे बेटा। अरे नरेंद्र, संजू को तो बुलाओ। संजू और पंखु, नाम भी कितना मिलता है, जोड़ी भी कितनी अच्छी है। बिल्कुल सही कह रही हो जी। पंखुड़ी बेटा तैयार हो गई? बेटा जल्दी करो, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। लो देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, चले। अरे वाह दादी, मुझसे ज्यादा जल्दी तो आपको है शादी की, कमाल है। हाँ ठीक है, अब